हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 3 वर्ष के बाद 2500 की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी यदि ब्याज को 20% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि किया जाता है। 20% तो 3 वर्ष का एक ट्रिक होती है, 3 वर्ष का होता है 3 3 1, मूलधन कितना है 2500, दर कितनी है 20%। तो 2500 का 20%, 500 का 20%, 100 का 20%, 20। तो इनको 500 को 3 से 1500, 100 को 3 से 300 और 20 को 1 से 20, तो ये हो जाएगा 1850 रुपए की, 1820 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आगे देखें स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन, 1560 की धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो। ए बी और सी, बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो, तो सी को कितना 100 मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा 20%। ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50%, तो इसका हो जाएगा 10। तो ये एक 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 जीरो से जीरो, ये भी जीरो, तो ये हो जाएगा 1:2:10। अनुपातों का योग हो जाएगा 2 और 10 12 और 1 13, पूरी राशि कितनी है 1560 भाग 13 × 2, तो 13 से 13 एकम 13 13 × 26 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आ जाएगा 240। आगे देखिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, एक कार 120 किलोमीटर प्रति हावर की गति से 8 घंटे में तय करती है। अगर समान दूरी एक ट्रैक्टर को 20 घंटे में तय करनी है तो ट्रैक्टर की गति, तो कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड 120, कार कितने देर में पूरी कर रही है 8 घंटे में, ट्रैक्टर कितनी देर में पूरी करेगा 20 घंटे में, तो 20 का भाग देंगे 0 से 0, 2 से 6 बार, 6 × 2 = 48 किलोमीटर प्रति हावर। आगे देखें स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, तो 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम कितना हो जाएगा 48 × 17, तो 48 × 17, 7 × 6 = 56, 56 × 6 = 5, 7 × 28 = 28 और 5 = 28 और 5 = 33 इंटू, इधर आ जाएगा 48 × 48, 6 × 8 और 3 = 11 = 1 = 1, 816, 6 दिन के बाद, तो 48 आदमी 6 दिन तक तो काम किए, तो 48 × 6 = 6 6 8 48 का 8 = 4, 6 × 24 = 4 = 28, 288 काम हो गया, तो 16 16 में से 8 गया तो 8, इधर बच गया 0, 10 10 में से 8 गया 2, इधर 7 7 में से 2 चला गया तो 5, 528 काम बचा, 528 काम बचा, 4 कामगारों ने काम छोड़ दिया, तो 4 ने 48 में से 4 ने छोड़ दिया, तो कितना बचे 44 44। अब 11 से 11 चौक 44 11 8 88, इसके अंदर 48 में 4 का 12 12, तो काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे इसके बाद, तो 12 दिन और लगेंगे। आगे देखे स्टूडेंट्स, एक लड़का 10 किलोमीटर आवर की गति से दौड़ रहा है, उसे 50 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार पारा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो कितना है पारक 50 मीटर लंबा, 50 मीटर, तो इसका वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, तो 4 × 50 200 मीटर, 4 × 50 200 मीटर,
अब इसके लड़के की लड़का एक लड़की की चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 200 भाग 50 × 18 ऊपर चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा 4 बार, 18 चौक 72। आगे देखें स्टूडेंट छठा क्वेश्चन, 10% और 11% के लाभ पर एक बैग को बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर 11 होगा, बैग की लागत मूल्य क्या होगा? तो 10 और 11 10% और 11% अंतर कितना है? प्रतिशत में तो 1 का और पैसे में कितने का है? 11 का। 1/11/1 × उसका लागत मूल्य 100, तो ये हो जाएगा 1100। सातवां क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, नल ए एक टैंक को 10 घंटे में और नल बी 5 घंटे में भर सकता है। नल ए कितने में? नल ए 10 घंटे में, नल बी कितने घंटे में? 5 घंटे में, तो ये हो जाएगा 5। नल सी भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी माइनस में आ जाएगा 20 घंटे में, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 20। 10 से 2 बार, 5 से 4 बार, 20 से 1 बार, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो 20 काम करने के लिए, 2 + 4 भरने का, 2 और 4 6 और 1 खाली करने का 5, तो 20 काम 5 की स्पीड से 4 घंटे में। आगे देखें स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, एक वस्तु को 595 में बेचता है तो 19% का लाभ होता है। 595 में बेचने पर कितने का लाभ होता है? 19% का। तो 595/119 × 100, ये किससे चला जाएगा? इससे 5 बार, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस 500। ये मुझे 475 में बेचता है तो मुझे होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत, तो 475 कितने कम में बेच रहा है? 25 में। क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 × 100, 20 से 20 25 में 5 का भाग देंगे 5, 5% की हानि। आगे देखें स्टूडेंट्स नौवां क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान 150 है, समान कोणों में से प्रत्येक का मान, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360। 360 माइनस एक कोण कितना है? 150, तो ये हो जाएगा 210। 210 कितने कोणों का मान है? 3 का, तो एक कोण बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। आगे देखें स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन 2735 मूलधन गुणा दर 5 × समय 4 वर्ष / 100, तो ये 5 चौका 20, 20 से चला जाएगा ये 5 बार, 5 × 25 = 2, 5 चौका 20, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 547 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स ग्यारहवां क्वेश्चन, सुनील और अनिल मिलकर एक काम को 8 घंटे में, सुनील प्लस अनिल मिलकर एक काम को 8 घंटे में, जबकि अनिल अकेला इस काम को 10 घंटे में, और प्रबीर अकेले इस काम को 24 घंटे में, इन तीनों का एलसीएम 120। 8 से 15 बार, 10 से 12 बार और 24 से 5 बार, सुनील और प्रबीर, तो अनिल की कितनी हो गई? 12, तो सुनील की कितनी हो जाएगी? 3, 5 और 3, 120 काम को 5 और 3 8 की स्पीड से 15 घंटे। आगे देखें स्टूडेंट्स बारहवां क्वेश्चन, 96 भाग बड़ा कोष्टक 88 माइनस मझला कोष्टक 53 माइनस 126 में 9 का भाग देंगे, यह है 126/9 × 4,
नौसी, नौ एकम नौ, नौ चौक 36, 14 इंटू चार 56, 14 इंटू चार 56 मझला और बड़ा। तो 96 भाग बड़ा कोष्टक 88 माइनस मझला कोष्टक 53, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस से, तो 37 और 56 में से 37 चला जाएगा, तो 19, ये हो जाएगा 19, माइनस का है तो 12 के प्लस का हो जाएगा ये, और ये बड़ा कोष्टक। 96 भाग बड़ा कोष्टक 88 माइनस, 88 माइनस 53 और 19, 53 और 19 हो जाएगा 72, 88 में से 72 चला जाएगा, तो 72 16, 96 भाग 16, 96 में 16 का भाग चला जाएगा 6 बार। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, एक किसी काम को 30 दिन में और 20 भी उसी काम को 20 दिन में, एक किसी काम को 30 दिन में भी उसी काम को 20 दिन में, दोनों का लघुतम 60, 30 दुना 60 20 तिया 60, ए और बी 6 दिन तक काम को साथ मिलकर करते हैं, तो 6 दिन तक, ए और बी की स्पीड 2 और 3 5 की स्पीड से 30 काम उन्होंने कर लिया, 60 काम था, 60 माइनस 30 काम कर लिया, काम कितना बचा 30, शेष बचे काम को ए बी कितने दिन में पूरी करेगा, 30 काम को बी 3 की स्पीड से 10 दिन में। आगे देखिए स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, 84 98 105 का महत्तम समापवर्ती, तो 84 98 और 105 का महत्तम समापवर्ती, 7 से, 7 एकम 7, 7 दुनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7, 7 का भाग देंगे तो 12, 14 और 15, अब किसी का भाग नहीं जा रहा समान संख्या का, तो इसका एच सी एफ आ जाएगा 7। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल 25 में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 के दर पर बेचता है, एक दर्जन मतलब 12 पेंसिलों को 25 रुपए में खरीदा और 5 पेंसिलों को 12 रुपए में बेचा, तो इसका अनुपात एक बार बराबर कर लेते हैं, 12 और 5 का 60, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 12, मतलब इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 125 रुपए में खरीदा और 144 में बेचा, कितने का फायदा हो गया 19 रुपए का, किस पे 125 पे इंटू 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, गुन्नी चौक छिंतर बाग 5, छिंतर बाग 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 दुनी 10, 15.2। आगे देखिए स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 180 है, तो निश्चित राशि ज्ञात कीजिए, दर कितनी है 15%, अगर एसआई सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 30 हो जाएगा, अगर सीआई होता है तो ये हो जाएगा 32.25, 32.25, तो अंतर कितने का हो गया 2.25 का अंतर है इसके अंदर, पैसों में 180 का और प्रतिशत में 2.25 का, इंटू 100 और पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा ऊपर 100, ये 25 से 9 बार, ये 25 से 4 बार, 9 से ये 20 बार, तो 4 दुनी 8, 80 इंटू 100, ये हो जाएगा 8000। आगे देखिए स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का मत्स्य 11 और उनका लेसअप है 330, उनमें से एक संख्या 55, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ, तो पहली संख्या कितनी है 55, दूसरी संख्या को अपन अक्ष मान लेते हैं, एल सी एम कितना है 330 इंटू एच सी एफ कितना है 11, तो अक्ष बराबर 330 इंटू 11 बटा 55, ये किससे चला जाएगा 5 बार, 5 से 5 छी 30 66, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 66। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन,
343 सेंटीमीटर क्यूब घनफल के दो घनों को किनारों को आपस में जोड़ा गया। सत ये 343 क्यूब है, तो एक क्यूब तो एक का मान हो जाएगा 7, एक का मान 7, तो इन दो घनफलों को आपस में जोड़ा जाता है, तो ये 7, इसकी लंबाई हो जाएगी 14, चौड़ाई हो जाएगी 7 और ऊंचाई हो जाएगी 7। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जनाब का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, 14 इंटू 7 98 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 49 प्लस फिर 98, तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक 98 प्लस 98 और 49, 8 दुनी 16 और 9 25 का 5 हासिल की 2, 9 दुनी 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 245, तो ये हो जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 19वां क्वेश्चन, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में, ये हो जाएगा 216 काम पूरा, काम के 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो 18 आदमी काम करते हैं, मतलब बेहतर काम तो वो कर देते हैं, तो 6 में से 2 चला गया तो 4 और 21 में से 7 चला गया तो 14, 144 काम बचा, 144 काम बचा, 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया तो कितने आदमी बचे, 16, कितने आदमी बचे, 16। अब इसके अंदर अपन 144 के अंदर 16 का भाग देते हैं तो आ जाएगा 9 बार, 9 दिन। आगे देखें स्टूडेंट्स, 20वां क्वेश्चन, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किमी तैरने में 5 घंटे लगते हैं। ए प्लस बी, धारा की दिशा में 40 किमी तैरने में 5 घंटे मतलब 8 की स्पीड से, और धारा के विपरीत दिशा में दौड़ने में विपरीत और धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किमी तैरने में केवल 2 घंटे लगते हैं। ए माइनस बी बराबर कितना घंटा, 2 घंटे मतलब 12 की स्पीड से, तो ये स्थिर जल में इसकी चाल, स्थिर जल में चाल, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 20, 12 प्लस 8 बटा 2, तो यह जाएगा 20 बटा 2 10 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का में 2 का अंतर है और दोनों के वर्गों का अंतर 100 है, तो ये संख्याएं होगी, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 100, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 100 बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हो जाएगा 2, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 50, तो ए प्लस बी बराबर 50, ए माइनस बी बराबर 2, एक का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग 25, ये इसके 50 और 2 52, 52 में 2 का भाग देंगे 26, बी का मान निकालने के लिए 50 में 2 कर देंगे 48, 48 में 2 का भाग देंगे 24। आगे देख दोनों, इन दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 26 और 24 50। आगे देखें स्टूडेंट्स, 22वां क्वेश्चन, एक कुर्सी के विक्रय पर 10% और 14% की छूट देने पर अंतर 27 का आता है। 10% और 14% की छूट देने पर अंतर कितने का आता है, 27 रुपए का, प्रतिशत में कितने का, 4 का, 27 बटा 4 इंटू क्रमूल्य 100, 4 से 25 बार, 25 इंटू 27 625 और 50 675 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 23वां क्वेश्चन, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 2 और 8 घंटे में भर सकते हैं, ए 2 और बी 8 घंटे में, सी भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, सी खाली करने वाला है 4 घंटे में,
तीनों का एलसीएम 8, दो चौके 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8। सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो पूरा टैंक 8। तार और एक 5 की स्पीड से भर रहा है और 2 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो 3 की स्पीड से भरेगा। 8/3, तो 2 सही 2/3। आगे देखिए स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज को प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। प्रति पारी औसत स्कोर कितना था? 55। तो 12 × 55 550 हो जाएगा, 660। 14 पारी के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। 14 पारी के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया, तो 14 × 6 ये हो जाएगा 8 × 24, 2 × 3 = 6 = 84, 840। तो कितना बढ़ गया? 840 माइनस 660 0, 14 × 14 में से 6 गया 8, 7 × 7 में से 6 गया 1, 180। 180 13वीं पारी का प्लस 14वीं पारी का मान है 180। तो 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना से 20 रन अधिक बनाए, तो उसमें से अगर इसमें अगर वो अगर इसमें अगर 80 रन बना रहा है तो इसमें बनाएगा कितने? 100। तो 13वीं पारी में उसका रन कितना था? 13वीं पारी के अंदर इसका रन 80 था। आगे देखे स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन। कंप्यूटर गेम में एक निर्माता एक दीवार को 12 घंटे में बना सकता है। ए मान लेते हैं ये 12 घंटे में बना सकता है, जबकि एक विनाशक ऐसी दीवार को 20 घंटे में पूरी तरह नष्ट करता है। ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कितने घंटे में? 20 घंटे में। दोनों का लघुतम 60, 12 × 5 = 60 और 20 × 3 = 60। निर्माता और विनाशक दोनों को शुरुआती स्तर पर काम करने के लिए सेट किया गया, लेकिन 12 घंटे के बाद, तो 12 घंटे तक विनाशक और निर्माता साथ काम किए। 5 की स्पीड से दीवार बना रहा है, 3 की स्पीड से तोड़ रहा है, मतलब 2 की स्पीड से बना रहा है। कितने घंटे तक बनाया? 12 घंटे तक। 24 काम किया, तो 60 − 24 = 36। उसके बाद विनाशक को बाहर निकाल लिया गया, दीवार को बनाने में कुल कितना समय लग गया? तो उसके बाद 5 की स्पीड से बनाएगा, 5 × 7 = 35 1/5। तो कुल समय 12 घंटा वो प्लस 7 सही 1/5, 12 और 7 = 19 सही 1/5 घंटा। आगे देखिए स्टूडेंट 26वां क्वेश्चन। एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप 2 क्रमशः 7 और 9 घंटे में टंकी को पूरी तरह ए और बी ये बनने वाले हैं, ये 7 और 9 घंटे में, जबकि एक निकासी पाइप द्वारा पूरी टंकी को 21 घंटे में खाली किया जा सकता है। तीनों का लघुतम 63, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, 21 × 63। सभी पाइप, तो 63 पूरी टंकी है, 9 और 7 की स्पीड से भर रहा है, 9 और 7 16 और 3 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो 13, तो 13 × 52, 13 × 52 4 सही 11/13। आगे देखिए स्टूडेंट 27वां क्वेश्चन। बजाज इलेक्ट्रॉनिक के 2 माइक्रोवेव प्रत्येक को 4,800 की दर से बेचा गया। प्रत्येक को कितने की दर से? 4,800 की दर से। एक पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ हुआ, तो 120/ चला जाएगा 100, 0 से 0, 12 × 48। इसका मूल्य हो जाएगा 4,000। एक को कितने पर? 20% हानि पर, तो 4,800/80 × 100, 0 से 0 ये हो जाएगा 6,000। कितने में उसने कितने में खरीदा था? उसने खरीदा था 10,000 में, और बेचा कितने में? 4,800। एक का मूल्य होगा तो 2 का हो जाएगा 9,600। कितने का नुकसान हुआ उसे? 400 रुपये का। 400/10,000 × 100, 2,0 से 2,0, 4 − 4 प्रतिशत की हानि।
आगे देखिए स्टूडेंट्स 28वां क्वेश्चन। 216 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया जोड़ने पर, तो ए क्यूब बराबर है 216, ए बराबर हो जाएगा 6, तो दो घन तो इसकी लंबाई हो जाएगी 12, चौड़ाई हो जाएगी 6 और ऊंचाई हो जाएगी 6। तो घनाभ का आयतन दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई 12 छिगानी 72 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 36 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई 72 बेहतर बेहतर 144, 144 में 36 जोड़ेंगे 180, 2 × 180 बराबर हो जाएगा 360। आगे देखिए स्टूडेंट्स 29वां क्वेश्चन। एक मशीन को 42,000 में बेचा गया, इसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% की दर से घट रहा है, एक साल बाद मशीन का मूल्य कितना होगा? तो 8% 100 से कितना हो रहा है? 92। तो 42,000 बटा 100 × 92 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 9 × 18 × 4 × 8 9 × 36 8 × 16 का 6 हासिल की 1 6 7 8 ये हो जाएगा 38,640। ये 0 इधर आ जाएगा नीचे। आगे देखें स्टूडेंट्स 30वां क्वेश्चन। यदि अक्ष और वाई किसी काम को 20 दिन में, अक्ष प्लस वाई किसी काम को 20 दिन में, वाई प्लस जेड 32 दिन में, जबकि जेड प्लस अक्ष 15 दिन में, जेड प्लस अक्ष 15 दिन में, तो 20 32 और 15 का एलसीएम, तो 20 32 और 15 का एलसीएम 2 से 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32 और 15 × 15, फिर 5 × 5 = 5, फिर 8 × 8 और 5 × 3, 8 × 24 × 5 = 20, 480 ये चला जाएगा इससे 24 बार, ये 32 ये चला जाएगा इससे 15 बार, ये चला जाएगा इससे 32 बार। तो एक्स वाई जेड तो ये तीनों का है, ये तीनों का ये एक्स वाई जेड का डबल डबल काम हो गया, तो अपन काम को भी डबल कर लेते, काम हो जाएगा पूरा 960 480 की जगह। अब इनकी सबकी स्पीड 32 15 और 24, तो 32 ये हो जाएगा 32 24 और 15, 5 × 2 = 7 7 × 4 = 11 हासिल की 1, 3 × 2 = 5 6 = 7 = 71, 960 / 71। आगे देखें स्टूडेंट्स 31वां क्वेश्चन। एक वस्तु को 420 में बेचकर एक विक्रेता को 5% लाभ मिलता है, तो 420 में बेचेगा तो 5% लाभ मतलब 105 × 100, तो इससे चला जाएगा 4 बार, वस्तु का मूल्य हो गया 400 रुपया। उस वस्तु को कितने में बेच रहा है? 380 में, कितने की हानि हुई? 20 रुपये की, कितने पर? 400 पे × 100, 20 से 20 20 चार से 5 बार, 5% की हानि। आगे देखे स्टूडेंट्स 32वां क्वेश्चन। 2 वर्ष के बाद 3,000 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज की दर लगभग 12% प्रति वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है? तो 2 वर्ष का ट्रिक होता है 2 और 1, मूलधन कितना है? मूलधन 3,000, दर कितनी है? 12%, तो 3,000 का 12% 360, 360 का 12% 36 का 12% 10 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 12 का 2 हासिल की 1, 3 × 6 = 7 ये हो जाएगा 36, 2 × 7 = 13 हासिल की 1, 43.2, तो 720 और 43.2, 2, 3, 6 और 7 763.2। आगे देखिए स्टूडेंट्स 33वां क्वेश्चन। 48 पुरुष 30 दिनों के लिए कार्य कर सकते हैं, तो 48 × 30 तो हो जाएगा 3 × 8 = 24 हासिल की 2 × 3 = 12 और 13 1440 पूरा काम हो गया 6 दिन काम करने के बाद, तो 48 आदमी कितने दिन काम किए? 6 दिन तक,
है 8 48 का 8, असली की 4, 6 चौका 24 और 4 28, ये आ जाएगा इधर 2, इधर आ जाएगा 3, 13, 13 में से 8 चला गया, 8 और 5 13, इधर चला गया 13, 13 में से 2 चला गया तो 11, 1152, 1152, 12 पुरुष काम छोड़ देते हैं तो कितने, 48 में से, 48 में से 12 लोगों ने काम छोड़ दिया तो काम कितने कितने लोग बचे, 36, 36 लोग, तो ये चला जाएगा 6 से 6 बार, ये 6 से 6 एकम 6, 5, 6 नाम 54, 6 दूनी 12, 192 में 6 का भाग देंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 32 दिन। आगे देखिए स्टूडेंट्स 34वां क्वेश्चन, एक 12 मीटर की 12 मीटर की रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया गया जिसमें पहले दो हिस्सों की लंबाई 3.48 मीटर और 4.6 मीटर, तो तीसरे हिस्से की लंबाई, दो हिस्से की लंबाई को जोड़ लेते हैं 3.48 और 4.06, 48 और 6 54 और 4 और 3 7, 7.54 मीटर, तो 12 में से 7.54 चला जाएगा तो एक इधर आ गया तो ये हो जाएगा 46, तो इधर 11, 11 में से 7 गया 4, 4.46 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 35वां क्वेश्चन, 136 भाग 17 तो ये हो जाएगा इससे 8 बार प्लस 17 इंटू 13, 17 को 13 से मल्टीप्लाई 17, ये हो जाएगा 13, 7 17 थी 51, 51 इंटू 17 का 17 1, 7 और 5 12 का 2, हासिल की 1, तो 221, 221 माइनस 103 में 85 चला जाएगा, 103 में से 85 चला जाएगा तो 18 इंटू 18 इंटू 145 प्लस 62, 145 प्लस 62 7, 10 का 0 हासिल की 1, 207, 207 भाग 23, 207 में भाग देंगे 23 का 9, 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 162 माइनस 162, इधर हो जाएगा 221 में 8 जोड़ देंगे अपन, 221 में 8 जोड़ देंगे तो 229, 229 में से 162 चला जाएगा तो 7 और 22 में से 16 चला गया तो 6, 67। आगे देखें स्टूडेंट्स 37वां क्वेश्चन, 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं, तो 45 लोग 12 दिनों में कितने बल्ब, 40,000, तो 9 दिनों में, 9 दिनों में 100,000 बल्ब बनाने में कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, तो इसका 45 इंटू 100,000 इंटू 12 बटा x इंटू 40,000 इंटू 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार और 45 से ये 15 बार, तो अक्ष बराबर 15 इंटू 10 150, तो 150 माइनस 45 लोग पहले से हैं तो अपन को 105 लोगों की जरूरत पड़ेगी। आगे देखें स्टूडेंट्स 37वां क्वेश्चन, 3 दिन और 30 घंटे के साथ अनुपात, तो 3 दिन के अंदर कितना घंटा होता है, 1 दिन के अंदर 24 घंटा अनुपात, 30 घंटे के साथ अनुपात, तो 3 से 1 बार, 3 से 10 बार, 24 अनुपात 10, 12 अनुपात 5। आगे देखें स्टूडेंट्स, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो 100 से कितना बढ़ाया, 45, तो 145 हो जाएगी वो संख्या, तो 725 बटा 145 इंटू 100, 725 बटा 145 इंटू 100, ये चला जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 नौ 45, ये 5 से, 5 एकम 5, 2, 5 चौका 20, 5 25,
पांच से, तो संख्या हो जाएगी 500। आगे देखें स्टूडेंट्स, 39वां क्वेश्चन, एक ट्रेन 8.9 घंटे में 152 किमी की दूरी तय करती है, ट्रेन की गति। तो 8.9 घंटे में, तो 152 इंटू 9/8, 9/8, तो 8 से 8 एकम 8, 7 8 64, 8 नाम 72, 19 इंटू 9 171 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 40वां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी को की लंबाई 200 मीटर है, यदि रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, तब 520 मीटर लंबे पुल को पार करने में, तो ये हो जाएगा उसका पुल, पुल की लंबाई कितनी है 520, और ये हो जाएगी वो रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 200, तो 720 मीटर टोटल लंबाई होगी, 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 720/15, 15 चौका 60 12, 15 अंटे 120, 48 सेकंड। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।